नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। सिरोंज बिल्डिंग मटेरियल पटक कर रास्ते को किया जाम, आम जन परेशान। सिरोंज के मुख्य बाजार में रात 8:30 बजे से ही बिल्डिंग मटेरियल पटक कर रास्ते को किया जाम, आम जनता हो रही परेशान। नगर पालिका ने पंचनामा बनाकर तुरंत कार्रवाई की। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज सिरोंज नगर के मुख्य मार्ग पर रात्रि 8:30 बजे से ही यहाँ पर एक मकान का काम चालू था और यहाँ पर गिट्टी, सीमेंट, रेत और कम से कम 4-5 ट्राली ये पानी का टैंकर यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध हो गया। इसी बीच हमें यहाँ पर मिले हैं सिरोंज के वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष भृगू जी। चलिए उनसे भी चर्चा करते हैं। भृगू जी, आप बताइए कि किस तरह का यहाँ पर सिरोंज में आपको माहौल दिखता है, जब भी कहीं भी ये नवनिर्माण होता है, किसी भी बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं और किस तरह की होना चाहिए? देखिए पत्रकार जी, अपन अभी सब दूर की बातें नहीं करेंगे, अभी तो अपन उस जगह की बात कर रहे हैं जहाँ अपन खड़े हुए। ये बाज़ार जो अपन खड़े हुए, सिरोंज का मुख्य बाज़ार और सबसे व्यस्ततम बाज़ार है। मैं कुछ सामग्री खरीदने के लिए जब घर से आया, उस समय 8:15 बजे का समय रहा होगा। जिस जगह पर अपन खड़े हुए हैं, यह एक निर्माण कार्य चल रहा है बीज बाजार में। मैं आके देखता हूँ कि एक तरफ सीमेंट पड़ी हुई है, वहीं मिक्सर खड़ा हुआ है, एक तरफ टैंकर खड़ा हुआ है और 4 ट्रालियाँ लगातार एक नर्मदा सीमेंट बीज बाजार में डाल दी और 3 ट्रालियों ने बीज बाजार में गिट्टी डाली। पूरा मार्ग अवरुद्ध था, एक पैदल व्यक्ति यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे बाहरी वाहनों का आने का समय क्या है? देखिए बाहरी वाहनों के आने का समय तो ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि बाहरी वाहन तो निषेध है बाज़ार में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सकड़ा बाज़ार है सिरोंज का। फिर भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो भाई रात को 12 बजे के करीब जब पूरा बाज़ार बंद हो जाता है, सुनसान हो जाता है, आवाजाही ख़त्म हो जाती है, तब अधिकारियों की मंजूरी के बाद भी ऐसा काम कर सकते हैं आप। आपने तो ना किसी कोई मंजूरी है आपके पास, है ना समय का कोई आपको भान है। ऐसा लग रहा है जैसे कानून का कोई भय नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ प्रशासनिक कोई व्यवस्था ही नहीं है। पूरा बाजार जाम। मैं आया, मुझे बड़ा चिंतित हुआ, मैंने समझाइश भी दी तो दादागिरी सी करने लगे। मैंने SDM महोदय को तुरंत सूचित किया, नगर पालिका को सूचित किया, नगर पालिका और SDM महोदय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने कर्मचारी भेजे हैं। पंचनामा कर्मचारियों द्वारा बनाया गया है, बाजार के लोगों द्वारा उस पंचनामे पे अपने हस्ताक्षर कर इस बात को प्रमाणित किया गया है कि हम कितने परेशान हुए थे और अभी परेशान हो रहे हैं। तो इनका कहना है कि प्रशासन का कोई भी भय नहीं है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, ये पड़ोस की हैं इनके और ये पड़ोस में रहते हैं। चलिए इनसे जानकारी लेते हैं, आप बताइए। घर के बाहर टैंकर खड़ा कर दिया गया है, जिसके कारण मुझे गाड़ी रखने में बहुत परेशानी आ रही है, गाड़ी भी नहीं रख पा रहा हूँ मैं, मेरी बाहर निकलने में भी बहुत दिक्कत है, ये सब दिक्कतें हैं इसके कारण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के नज़ारे सिरोंज में आए दिन देखे जाते हैं, लेकिन इस बार नगर पालिका ने तुरंत कार्रवाई कर यहाँ पर पंचनामा तैयार किया है। चलिए यहाँ पर नगर पालिका के कुछ कर्मचारी भी मौजूद हैं, चलिए उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या मामला है। जी आपका नाम बताइए। मैं अविनाश भिरकू, नगर पालिका कर्मचारी। हमारे अधिकारियों के संज्ञान में जब ये बात आई कि मुख्य बाजार में अवैध रूप से निर्माण हो रहा है, तो उन्होंने तत्काल हमें दूरभाष के माध्यम से सूचित किया, जिसको हमने संज्ञान में लेकर स्थल पर उपस्थित हुए और हमने जब मौका मुआयना और संबंधित निर्माणकर्ता से बात की और दस्तावेज मांगे तो उन पर किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसका हमने विधिवत प्रक्रिया में एक पंचनामा तैयार किया है और उनको क्योंकि रात्रि का समय है तो ये मौका दिया है कि आप इस सामान को अपनी सुविधा अनुसार हटा लें, अन्यथा वैधानिक प्रक्रिया में इसकी जो जब्ती है उसको हम कल सुबह में करने का पूरा प्रयास करें। मुख्य सड़क पर आए दिन इसी तरह के नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। आज मुझे लगता है पहली दूसरी बार इस तरह की कार्रवाई हुई है, तो क्या आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल, हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय, आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय
इस मामले में बहुत सक्रिय हैं और वो उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी महोदय ने वार्डों के समस्त दरोगाओं को ये निर्देश दिया है कि आप प्रत्येक वार्ड में हो रहे अवैध निर्माण के पंचनामे इत्यादि तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें जिसकी मैं कार्रवाई कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि देखा आपने कि ये तुरंत यहाँ पर कार्रवाई यहाँ पर नगरपालिका के कर्मचारियों ने की है। सिरोंज से खबर समय जगत के लिए जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।